आज का हमारा टॉपिक है कसूर यानी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन एक मुकम्मल शक्ल के बराबर हिस्सों को कहते हैं, मीन्स इक्वल पार्ट ऑफ होल। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक पेज है, इसको हमने टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, इसको हमने यूं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, इसमें से हमने एक पार्ट को सिलेक्ट कर लिया, तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आएगी, 1/2। बिल्कुल इसी तरह से इस पेज को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इस तरह से ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और अब हमने इसमें से एक पार्ट को सिलेक्ट किया, तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आएगी, 1/4। अब हम फ्रैक्शन को शेप्स की मदद से समझते हैं। अब हम देखते हैं कि इन शेप्स में हम फ्रैक्शन को कैसे जाहिर कर सकते हैं। हमारे पास रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर एंड सर्कल हैं। अब हमने इनको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इनमें से हमने व्हाइट वाला पार्ट सेलेक्ट कर लिया, तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आएगी, 1/2। बिल्कुल इसी तरह से हमने रेक्टेंगल में व्हाइट वाले पार्ट को सिलेक्ट किया और 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आएगी, 1/2। बिल्कुल इसी तरह से स्क्वायर में हमारे पास फ्रैक्शन आएगी 1/2 एंड सर्कल में भी 1/2। अब हम फ्रैक्शन को एक और एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास ये एक मुकम्मल शक्ल है जिसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और हमने इसमें से व्हाइट वाला पार्ट सेलेक्ट किया है, तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आएगी, 1/3। बिल्कुल इसी तरह से रेक्टेंगल में हमने हमारे पास 3 इक्वल पार्ट्स हैं, इनमें से हमने व्हाइट वाला पार्ट सेलेक्ट किया हुआ है, तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आएगी, 1/3। स्क्वायर में भी हमारे पास एक पार्ट सेलेक्टेड है, तो हमारे पास फ्रैक्शन आएगी 1/3। और सर्कल में भी हमारे पास एक पार्ट सेलेक्टेड है, तो हमारे पास फ्रैक्शन आएगी 1/3। अब हमने जिस पार्ट को सिलेक्ट किया है वो हमारा होगा शुमार कनिंदा, और जिन इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है वो हमारा होगा मुखरज। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि फ्रैक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। अब हमारे पास एक शेप है जिसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और इसमें से हमने एक पार्ट को सिलेक्ट किया है, तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आएगी, वेरी गुड, 1/4। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास रेक्टेंगल में 4 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है और 2 पार्ट्स को हमने इसमें से सिलेक्ट किया है, तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आएगी, 2/4। अब आप मुझे ये बताएं कि सर्कल को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और इनमें से हमने 3 पार्ट्स को सिलेक्ट किया है, तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आएगी, वेरी गुड, 3/4। यहां भी हमारा एक पार्ट सिलेक्टेड है, तो हमारे पास फ्रैक्शन आएगी 1/4। उम्मीद है आपको कसूर यानी फ्रैक्शन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।